यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोबाइल की बैटरी फटने से 11 वर्षीय बालक घायल, ब्लास्ट में कपड़ों में लगी आग। दामोह जिले के मडियादो थाना क्षेत्र में मोबाइल की बैटरी फटने से 11 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथ व सीने में चोट आई है। 108 वाहन की सहायता से बालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बता दें कि मडियादो थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी मजबूत सिंह लोधी का 11 वर्षीय बेटा बहादुर सिंह बुधवार दोपहर मोबाइल की बैटरी निकालकर उससे खेल रहा था। काफी देर तक वो बैटरी के साथ खेलता रहा। इसी दौरान बैटरी को किसी तार में टच करने से उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसमें उसके कपड़ों में आग लग गई और सीना आग में झुलस गया और ब्लास्ट के कारण चोट भी आ गई। साथ ही एक हथेली में भी चोट आई है। घर के लोग कुछ दूर ही बैठे थे। ब्लास्ट होने और बेटे की चिल्लाने की आवाज सुनकर वह उसके पास आए तो बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने 108 वाहन को सूचित किया और बालक को लेकर दामोह जिला अस्पताल पहुंचे। अब बालक की हालत में सुधार है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। आदिवासी बच्ची की कुपोषण से मौत। दामोह जिले के तेंदुखेड़ा के गुटरिया गांव में एक 1.5 साल की बच्ची, आदिवासी बच्ची की कुपोषण से मौत हो गई। बच्ची की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुपोषण से बच्ची की मौत होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बच्ची का वजन महज 5 किलो था और खून की भी कमी थी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने ग्राम घुटरिया पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वही मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने अति कुपोषित बच्ची की मौत का मामला न्यायालय में आने के बाद संबंधितों से इसका जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से उसे तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और बाद में उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। 19 माह की बच्ची की मौत को लेकर तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र के CBMO डॉक्टर RR बागरी ने बताया कि मासूम बच्ची का नाम दुर्गा पुत्री नारायण आदिवासी है। दुर्गा तेंदुखेड़ा ब्लॉक के घुटरिया की निवासी थी, जिसमें अम्बाई गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संध्या शर्मा द्वारा 5 मई को जांच के लिए लाया गया था। दुर्गा की जांच NCR में हुई थी, जिसमें दुर्गा का वजन 5 किलो 350 ग्राम निकला था। हीमोग्लोबिन 6.6 ग्राम था, जबकि इस उम्र में बच्ची का सामान्य वजन 10 किलो और हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए। बच्ची के टीकाकरण का कार्य 10 फरवरी को पूरा हो गया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दुर्गा को जब तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था तो उसे उल्टी दस्त हो रहे थे, खून की मात्रा भी कम हो गई और वजन भी कम हो रहा था। इसलिए तेंदुखेड़ा में NCR में एक दिन भर्ती करने के बाद उसे इलाज के लिए दामोह जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजा गया था, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं में नहीं दिखा उत्साह, 50% में कम हुआ मतदान। मिर्जापुर जिले के 96 विधानसभा क्षेत्र की रिक्त सीट के लिए बुधवार को मतदान हुआ। शाम 7 बजे तक महज 44.15% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह धीमी शुरुआत के बाद दोपहर में कई बूथों पर सन्नाटा पसर गया। दोपहर बाद वोटर घरों से निकले, जरूर पर वोटिंग प्रतिशत कम ही रहा। सुबह कुछ जगह ईवीएम में गड़बड़ी की सूचना मिली, जिससे समय पर बदल लिया गया। इसी प्रकार हालिया के सोनगढ़ में बूथों पर सभा के एजेंट बनाए जाने को लेकर शिकायत हुई। कुछ देर बाद एजेंट बना दिए गए। 96 सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा अपना दल
एस गठबंधन से दिवंगत विधायक की पत्नी रिंकी कौल मैदान में है। सपा को कीर्ति कौल और कांग्रेस के अजय कुमार उम्मीदवार है। कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे। सुबह 7 बजे शुरू हुए मतदान को रफ्तारी धीमी रही। जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत भी धीमा पड़ता गया। दोपहर में कई बार बूथों पर सन्नाटे जैसी स्थिति रही। कुछ जगह ईवीएम भी खराब के चलते बदलना पड़ा। प्राथमिक विद्यालय चेहरा के बूथ संख्या 408 की मशीन खराब होने के बाद उसे 15 मिनट में बदलकर फिर मतदान शुरू हुआ। इसी प्रकार लालगंज के तुलसी प्राथमिक विद्यालय बूथ नंबर 31 में ईवीएम खराब होने के चलते देरी से मतदान शुरू हुआ। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिक ट्विटर हाइकूक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।